वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट द गोल्डफिश हाउस इंडिया विद मिस्टर शम्स पार्कर और यहाँ पर आपके सामने है वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गोल्डफिश फूड अवेलेबल एट द गोल्डफिश हाउस इंडिया। अगर ये फूड आपको ऑर्डर करना है तो इस वक्त स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मूविंग अहेड, तो शम्स भाई बताना चाहेंगे कि इस वक्त आपके पास बहुत ही बेहतरीन फ़िश फूड अवेलेबल है स्पेशली गोल्डफिश के लिए। जो लेफ़्ट साइड पर है वो तो मुझे पता है कि वर्ल्ड का तो मेरे ख्याल से बेस्ट गोल्डफिश फूड है ही, बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज्ड इट। बट आपके पास एक नया ब्रांड भी आया है गोल्डफिश फूड के बारे में, तो क्या बताना चाहेंगे? एंड ऑल्सो व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, इस वीडियो में थोड़ी बहुत गोल्डफिश इन्फॉर्मेशन, गोल्डफिश फीडिंग क्लिप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल आपको प्राइसेस भी जानने को मिलेंगे। सो ओवर टू यू शम्स भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? सो इस टाइम हमारे पास दो टाइप के फूड्स अवेलेबल है। वन इज़ फ्रॉम द वेरी फेमस ब्रांड हिकारी एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम द वेरी फेमस थाई फार्म विच इज़ कॉल्ड एज शोगन गोल्डफिश फार्म। सो लेट स्टार्ट विद द शोगन फूड फर्स्ट। तो शोगन फार्म थाईलैंड का नंबर वन फार्म है एंड दे हैव बीन मेकिंग चैम्पियन गोल्डफिश फॉर द लास्ट 7 to 8 years कंटिन्यूसली। तो इनका फूड में स्पेशलिटी ये है कि इनका फूड का जो है दिस ऑल ऑफ द रेंज इज़ ग्रूमिंग फूड एंड दिस इज़ ओनली फॉर द हाई क्वालिटी गोल्डफिश, फैंसी गोल्डफिश ग्रूमिंग। एंड इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग कलर अवेलेबल है, जैसे कि रेड है, वी हैव येलो बॉटल एंड देन वी हैव ब्लू बॉटल। तीनों का यूसेस अलग अलग है। रेड इज़ फॉर यू नो इन्हांसिंग द रेड कलर इन द गोल्डफिश, येलो इज़ फॉर इन्हांसिंग द येलोइश और द लेमन कलर इन द गोल्डफिश एंड द ब्लू फूड इज़ यूज्ड फॉर इन्हांसिंग द कैलिको एंड द ब्लैक कलर इन द ओरांडास। सो जो डार्क कलर के ओरांडास या फिर कैलिको ओरांडास होते हैं उनके लिए ये ब्लू फूड रिकमेंडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हिकारी गोल्डफिश फ्लोटिंग पैलेट्स ओवर हियर। तो हिकारी पैलेट्स का स्पेशलिटी ये है कि लाइक सब लोग सिंकिंग पैलेट्स प्रीफर नहीं करते, कोई कोई हॉबीस्ट लोगों को फ्लोटिंग पैलेट्स लगता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये हिकारी का ओरांडा गोल्ड फ्लोटिंग पैलेट्स लाया है विच इज़ अवेलेबल इन 300 grams पैक एंड दिस इज़ ऑल ओरिजिनल फ्रॉम क्योरिन हिकारी। अगर आप जूम करके आप दिखा सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो दिस इज़ फ्रॉम द हिकारी का इंडिया में एक ही डीलर है विच इज़ बेस्ड इन पुणे। सो हम लोग के पास उनके पास से डायरेक्टली ये ओरिजिनल स्टॉक हम लाते हैं एंड आप हॉबीस्ट के लिए हमारे पास आपको प्योर फ्रेश स्टॉक मिलेगा हमेशा आप हिकारी का। दैट्स इट। ऑलराइट, तो लेफ्ट वाले जो हिकारी के जो फ्लोटिंग पैलेट्स है और राइट वाले जो शोगन के वो सिंकिंग पैलेट्स है जी। ऑलराइट, प्राइसेस प्लीज बता दीजिए। सो दिस फॉर शोगन पैलेट्स द प्राइसेस फॉर पर बॉटल इज 1200 rupees पर बॉटल एंड फॉर द हिकारी पैलेट्स इज अराउंड 1500 rupees पर पैक। ओके, यस। एंड किसी को शोगन में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए रहेगा तो वो भी अवेलेबल हो सकती है। हम लोग अगर आपको शोगन में होलसेल क्वांटिटी में चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 kg या 20 kg, तो भी हम आपको अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया इन फिश फूड के बारे में और इनके प्राइसेस के बारे में। तो ये जानना चाहूँगा कि ये फिश फूड तो मान लीजिए हमने ले लिया, बट खिलाना कैसे चाहिए, क्या राइट तरीका है आपके हिसाब से? क्योंकि आप इतने सारे गोल्डफिश रखते हो, तो आपके हिसाब से राइट तरीका क्या है गोल्डफिश को खिलाने का और कितने टाइम उनको खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए? सो फर्स्टली मेरा मानना ऐसा है कि गोल्डफिश में लोग बोलते हैं कि फ्लोटिंग पैलेट्स खिलाने से गोल्डफिश को स्विम डैडर का प्रॉब्लम होता है और उनको ड्रॉप्सी का प्रॉब्लम होता है। सो मैं ये जो मिथ है उसको हटाना चाहता हूँ। फ्लोटिंग पैलेट से कभी ही फिश को ब्लैडर का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये पैलेट्स गोल्डफिश पे बहुत सारे बार टेस्ट, फैंसी गोल्डफिश पे टेस्ट किया हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी इन द एक्वेरियम हॉबी। हिकारी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी विच हैज़ बीन मेकिंग फूड्स फॉर यू नो वैरायटी ऑफ एक्वेरियम फिशेस इन द इंडस्ट्री। सो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप गोल्डफिश को ओवर फीडिंग ना करें, गोल्डफिश का पानी साफ रखें, आपका फिल्ट्रेशन का क्वालिटी अच्छा रखें। फिल्ट्रेशन का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आपका पानी का क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि गोल्डफिश को ओवरफीडिंग ना ही करें, क्योंकि अगर आपने एक टाइम पे बहुत सारा खाना खिला दिया तो गोल्डफिश वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। गोल्डफिश का वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना खाना का जो डाइजेशन है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप 3 to 4-5 times खिलाइए, बट छोटे छोटे मील्स खिलाइए। फॉर एग्जाम्पल पर फिश को आप समझो एक नॉर्मल या 15-20 पैलेट डाल रहे हो तो वो मत कीजिए। आप पर फिश को 10 पैलेट्स खिलाइए, लेकिन 3-3 घंटे 2-2 घंटे के ब्रेक लेकर खिलाइए। आप एक ही साथ में 2 times फीड मत करिए, मॉर्निंग एंड नाइट। आप मॉर्निंग में फीड कीजिए, आफ्टरनून में एक बार फीड कीजिए, फिर एक बार आप मिड इवनिंग में फीड कीजिए और एक बार रात में फीड कीजिए। बट द क्वांटिटी शुड बी वेरी लेस जिससे गोल्डफिश को गैस का प्रॉब्लम ना हो। यस, अपार्ट फ्रॉम दीज फूड्स हमने एक वीडियो बनाया था एग, स्टीम एग के बारे में, तो वो कब खिलाना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे होते हैं? स्टीम एग जो है गोल्डफिश के लिए स्पेशल मील है, क्योंकि एग जो है वो पानी बहुत जल्दी गंदा कर देती है। तो एग आपको बहुत वीकली आप 2x or 3x खिला सकते हो पर डे,
राइट, बट आपको उसके साथ में पैलेट्स भी खिलाना है, क्योंकि एग जो है वो एग में बहुत हाई प्रोटीन रहता है एंड एग में आपको ऑल सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि गोल्डफिश के ग्रोथ के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स लगते हैं, तो वो आपको हर एक प्रोटीन आपको एग में नहीं मिलेगा। जैसे कि फिश फूड है, फिश फूड में फिश मील यूज़ होता है, श्रिम्प मील यूज़ होता है, देर आर वराइटी ऑफ वेजिटेबल्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द फिश फूड, देन इसमें एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स ऐड करते हैं, तो वो फिश फूड में वो जो है वो फिश में इफेक्ट उसको और फिश का जो इफेक्ट फूड का जो इफेक्ट है वो फिश पे और अच्छे से दिखता है, तो उससे आपको फिश में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उनके कलर में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, हेल्थ उनका अच्छा रहेगा। सो आपको सिर्फ एक फूड पे डिपेंड नहीं करना है कभी भी, गोल्ड फिश को आपको कम से कम 3 to 4 वराइटीज ऑफ फूड हमेशा खिलाना है। ऑलराइट, यस, ऑलराइट, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड। सो ये बताइए, ये फूड की जो डिलीवरी है ये क्या ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है? ये सी फूड की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। ओके, आपको हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको कौन सा फूड रिक्वायरमेंट है, आपको शोगन में रेड येलो ब्लू पैकेट या फिर आपको फ्लोटिंग में चाहिए कि आप सिंकिंग प्रीफर करते हो, भी हमको क्लियरली आपको डिटेल में स्टेटमेंट आपको बताना है एंड देन वो हिसाब से आपको हम लोग डिलीवरी चार्जेस एंड कुरियर सब डिटेल्स आपको हम बता देंगे। और कोई अगर मुंबई में रहने वाला है उसे पिकअप करना है तो क्या वो कर सकता है आपके यहाँ से? मुंबई में यहाँ पे विजिट करके पिकअप भी कर सकते हो, मुंबई टू मुंबई हम कुरियर भी करते हैं, वीफास्ट से भी कुरियर होता है। ओके, एंड इफ़ यू वांट अ चीपर अल्टरनेटिव हम लोग नॉर्मल कुरियर कंपनी से करते हैं। तो शम्स भाई, और एक इम्पोर्टेंट बात हम हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हिकारी के बहुत सारे फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, शॉप्स में, तो कैसे पहचाने कि फेक प्रोडक्ट कौन सा है और ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट कौन सा है, वो आप बताना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में टेट्रा और हिकारी ये दो सबसे बड़े एक्वेरियम ब्रांड्स हैं जिनका फेक प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि फेक प्रोडक्ट्स में और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में पहले डिफरेंस क्या होता है। फेक प्रोडक्ट का जो पैकिंग रहेगा, ठीक है, पैकिंग और ओरिजिनल प्रोडक्ट का पैकिंग, उसका शाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल फेक प्रोडक्ट्स का जो पैकिंग का शाइन रहता है बहुत ही डल रहता है, ओरिजिनल पैकिंग का बहुत ही ज़्यादा शाइन होता है। सेकेंडली, जो उनका फूड का क्वालिटी होता है, फेक प्रोडक्ट्स जो फेक हिकारी और फेक टेट्रा के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम वेरी 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 चीप क्वालिटी फूड मटेरियल्स एंड जो ओरिजिनल हिकारी है दीज आर मेड फ्रॉम वेरी हाई क्वालिटी फूड मटेरियल्स। एंड नाउ सेकेंडली, आपको कैसा देखना है कि फूड ओरिजिनल है कि फेक है, तो फर्स्टली ये हमारा हिकारी का पैलेट है, ऑलराइट, तो इस पे हमारा जो फूड होता है वो इंडिया के जो सोल इम्पोर्टर है हिकारी के, वो आर बेस्ड इन पुणे, उनका नाम है इंडस मार्केटिंग। सो ये जो फूड है ये इंडस मार्केटिंग पुणे से आता है। ओके, एंड आप देखेंगे कि हर एक फूड के ऊपर प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है जी, तो ये प्रोडक्ट कोड होना चाहिए, इंडस मार्केटिंग का नाम होना चाहिए एंड उनका कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए। यस, अगर ये स्टिकर आपके फूड पे नहीं है, आपका कोई भी सेलर रहने दो, अगर आपको बोल रहा है कि फूड ओरिजिनल है कि ओरिजिनल नहीं है, वो फूड ओरिजिनल नहीं है, वो फूड फेक रहेगा, क्योंकि इंडस मार्केटिंग इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो हिकारी के फूड इंपोर्ट करती है। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फेक एंड अ रियल प्रोडक्ट। यस, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये फूड है तो जरूर लेबल चेक कीजिए। अगर आप शम्स भाई से ले रहे तो बेफिक्र होइए, इनके पास तो सारे ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर इनके अलावा भी आप कहीं से भी ये प्रोडक्ट्स लेते हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए ये इंपोर्ट लेबल, और अगर ये नहीं रहेगा तो आई थिंक देर आर हाई चांसेस कि वो फेक प्रोडक्ट है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन डुप्लीकेट हिकारी प्रोडक्ट्स, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, पूरे प्रूफ के साथ में मैंने वीडियो बनाया। सो लेट्स प्रोसीड नाउ शम्स भाई। सो सेकेंडली, वी हैव शोगन पैलेट्स ओवर हियर एंड शोगन पैलेट्स का ऐसा है कि शोगन, वी आर द सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ शोगन पैलेट इन इंडिया। सो शोगन इज अ थाई फार्म, जैसा आपको मैंने बताया, इट्स बीन वर्ल्ड रिनाउंड फॉर मेकिंग चैम्पियन गोल्ड फिशेज फॉर पास 6 to 7 ईयर्स मिनिमम। एंड इसका नाउ लोग बोलेंगे कि शोगन पैलेट्स फेक है या रियल है, सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट शोगन पैलेट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट द फार्म ओनर डायरेक्टली, इज नेम चर्चार्ड जैक शोगन, यू विल फाइंड हिम ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम। सो वो आपको बताएंगे कि इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूटर, मेन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उसका सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। सो वी आर द सब डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द नॉर्थ इंडिया एंड द मेन इंपोर्टर ऑफ दिस इज बेस्ड इन साउथ इंडिया। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक विद द फूड दैट वी आर गिविंग इज फेक और रियल। ऑलराइट, सो जो जो फूड हमने आपको दिखा है वो फूड हम लोग गोल्डफिश को फीड करके भी दिखाने वाले हैं, तो इस फूड के बारे में क्या बताना चाहेंगे भाई? सो आपके सामने है हिकारी ओरेंडा गोल्ड, ये हिकारी का नंबर वन गोल्डफिश फूड है।
एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड फिश फूड इन द वर्ल्ड. राइट. इट इज वेरी हाई इन प्रोटीन एंड वेरी न्यूट्रिशियस फॉर ऑल द फैंसी गोल्ड फिशेस. सो लेट्स मूव ऑन टू द फीडिंग. श्योर. और ये फ्लोटिंग पैलेट्स है राइट? जी, दिस आर ऑल, दिस इज फ्लोटिंग पैलेट्स फॉर गोल्ड फिश. यस. सो देखते हैं फीडिंग फिर. यस. ऑलराइट. सो हियर गोज द हिकारी फ्लोटिंग पैलेट्स. एंड ये देखिए कितने एक्टिवली सारे गोल्ड फिश ऊपर आके एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऑलराइट. तो अब हम सिंकिंग पैलेट्स खिला के दिखाने वाले. शोगन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. तो शोगन ये है, शोगन का ब्लू कलर का सिंकिंग पैलेट्स. इट इज़ मेनली फॉर ब्लैक कलरेशन एंड कैलिको कलरेशन इन द गोल्ड फिशेस. एंड इट इज़ अ न्यू फूड एंड इट्स अ वेरी इंप्रूव्ड फॉर्मुलेशन फ्रॉम द रेड वन. तो अभी हम इसको आपको खिला के दिखाएंगे. जी ज़रूर. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरोमा है इसका. जी. नाइस. सो लुक एट दैट, ऑल द गोल्ड फिश हैव स्टार्टेड ईटिंग. सो टुडे वी शोड यू स्पेशल गोल्ड फिश फूड अवेलेबल एट द गोल्ड फिश हाउस इंडिया. ये वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन गोल्ड फिश फूड में से एक है. अगर आपको इनको ऑर्डर करना है या इनके बारे में और इंक्वायरी करनी है तो आप इस समय दिए गए नंबर के ऊपर कर सकते हैं. आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है रिलेटेड टू फिश फूड या इवन गोल्ड फिश तो आप इसी नंबर के ऊपर कर सकते हो. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी फिश कीपिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड.